आम सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे परम आदरणीय इस कानपुर नगर के सांसद आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी अपने मुखार आप सभी को संबोधित करें। हमारे परम आदरणीय आदरणीय सांसद पचौरी जी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रतनलाल नगर शाखा कानपुर द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अनुयायी और हमारे साथी ज्ञान के भंडार भगवती सागर जी विधायक, और जिन्होंने अपने सेवा से वास्तव में मुझे अपना भाई बना लिया है, ऐसी बहन रमा दीदी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री अनुपम मिश्रा जी, इस मंडल के अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी, यहाँ मंचा सिंह, यहाँ की पार्षद विधि राजपाल जी, मंचा सिंह श्री राम बहादुर जी, मनोज जी हैं आए कि नहीं, डॉक्टर मंजू बहन जी, मंडल के महामंत्री सुमित पावा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, पहले मैं बहन जी से ही शुरू करूंगा कि देखिए रक्षाबंधन के उसमें कितनी शक्ति है। मेरी दो बहनें थी और मामते बड़ी थी, परिवार में भी बड़ी थी, उनका निधन हो गया और मेरे कोई बहन बची नहीं थी, तो मैं रक्षाबंधन को राखी अपनी बड़ी बेटी से बंधवाता था, और जब से रमा बहन जी मिल गई हैं, ये हम कहीं भी हो ये ढूंढ लेती हैं मुझे और आके राखी बांधती हैं, तो मुझे संतुष्ट होती है, हमें लगता है कि बहन का आशीर्वाद मेरे साथ है। लोग तो ये कहते हैं रक्षाबंधन में बहन की रक्षा का जो वचन है वो भाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा तो भाई की रक्षा यदि कोई करता है तो बहन करती है, इसीलिए वो रक्षा कवच भी है भाई का, रक्षा का बंधन। और ये त्योहार भारत की संस्कृति में महत्वपूर्ण है। आप बताइए, हमारे इतने रिश्ते हैं, हमारे माँ भी होती है, हमारे बहन भी, हमारे पति भी होते हैं, हमारे बेटे भी होते हैं, दादा भी होते हैं, दादी भी होते हैं, लेकिन कोई भी त्योहार किसी का मनाया जाता है क्या? केवल रक्षा ही बंधन क्यों मनाया जाता है? इस पर विचार करना चाहिए, कुछ तो है इसमें, कुछ तो शक्ति है कि संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम आदि यदि कोई करता है तो वो हमारी बहन करती है, इसलिए ये पर त्योहार महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कहावत है, हम लोग कहते हैं कि एक अगर बहन पढ़ जाए, बच्ची पढ़ जाए तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है, एक बहन संस्कारित हो जाए तो सारा परिवार संस्कारित हो जाता है, इसलिए बहन का महत्व भारत की संस्कृति में सर्वाधिक है, इसीलिए ये त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमें समाज को संस्कारित करना है। आज क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, और मुझे
प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जैसा संगठन भारत में नहीं विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर समाज को धर्म की पर आज अनुसरण करने की प्रेरणा दे रहा है। यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ और यही हमारे ऋषि मुनि सब यही करते थे। आप देखिए साधु सन्यासी आचार्य कभी गद्दी पे बैठे क्या? नहीं, राजा को गद्दी पे बैठाते थे, लेकिन उसको धर्म की शिक्षा देने के लिए हमेशा उसकी जो लगाम अपने हाथ में रखते थे कि आपका आचरण धर्मानुकूल होगा और जब आचरण धर्मानुकूल नहीं होगा तो आप जानते हैं उनके हस्त्र क्या क्या हुए, हमें बताने की जरूरत नहीं। हिरण्यकश्यप जो धर्म से पदोच्च हो गया था तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान ने अवतरित हुए थे प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए, तो प्रह्लाद क्योंकि धर्म का अनुसरण कर रहा था तो भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की थी। इसलिए कहते हैं धर्मे रक्षति रक्षति धर्मा, आप धर्म की रक्षा करें धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? धर्म को धारण करने से, धर्म के अनुसरण करने से, धर्म के रास्ते पर चलने से ही धर्म की रक्षा होती है। हम धर्म का प्रचार प्रसार, कोई जो लोग आते हैं साधु सन्यासी आते हैं, आप देखते होंगे जगह जगह भागवत होती हैं, विष्णु पुराण होते हैं, रामायण होती हैं, गीता के पाठ होते हैं। ये अनुष्ठान किसके लिए? ये समाज को जागृत करने के लिए, समाज को धर्म से जोड़ने के लिए, समाज को धर्म का अनुसरण करने के लिए। और अगर ये समाज में ना हो तो बुराइयां ही विकृतियां पैदा हो जाएं। आज भारत में विश्व से मैं सबसे कम विकृतियां अगर कहीं हैं तो वो भारत में। क्यों? हमें कहीं ना कहीं विरासत में संस्कृति में धर्म के कुछ संस्कार मिले हुए, हम उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। नहीं तो सब आप देख रहे हैं, नहीं तालिबानी न बन जाए, क्योंकि वहां धर्म नहीं है। धर्म नहीं है तो फिर हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए धर्म और कर्म, धर्म को तो व्यक्ति के कर्म से जोड़ा गया है कि आपके कर्म ऐसे हो जो समाज के अनुकूल, जो समाज को पीड़ादायी ना हो। हमारे यहां तो धर्म में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग चींटी को भी आटा डालते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणी की रक्षा, प्राणों की रक्षा, यानी हम चींटी को भी दाना डालते हैं कि चींटी को भोजन दें, ये भूखी ना रहे, चींटी को मरने भी ना देते। तो इसीलिए हमने गाय को माता माना है धर्म की रक्षा के लिए। इसीलिए एक संस्कृत में हम जब बचपन में पढ़ते थे कि परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाबा और परोपकाराय सताम विभूतिया, यानी जो कुछ भी है इस संस्कार में संसार में वो सब परोपकार के लिए, संसार की भलाई के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए, इसीलिए हम लोग परोपकार करते रहे। यही संदेश हमें आज के रक्षाबंधन के अवसर से प्राप्त होता है कि हम भाई बहन का स्नेह, अगर भाई बहन का स्नेह हो जाए, समाज में भाईचारा हो जाए, बहनों का आदर सम्मान और रक्षा का संकल्प हमारे भाई ले लें, तो क्या बहनों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि यहाँ इस बहन को मार डाला गया, यहाँ इस बहन के साथ ये अभद्रता हो गई, ये हो क्या? नहीं हो। लेकिन हमने वास्तव में धर्म का अनुसरण ही नहीं किया, हमने उसके धर्म के महत्व को नहीं समझा। के दिन हमें इस महत्व को समझने की जरूरत है, तभी ये कार्यक्रम के आयोजन का औचित्य सिद्ध होगा। हम धर्म के आधार पर चलेंगे
तो हमें समझता हूँ हमारी पार्लियामेंट को, हमारी विधानसभाओं को कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तमाम कानून बना लेते हैं कि अब ये रक्षा के लिए ये कानून बनेगा, अब ये जेल चले जाएंगे, अब ये हो जाएगा, लेकिन न्यायपालिका से कितना न्याय मिल पाता है हम सब जानते हैं। और न्याय, जब तक न्याय मिलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यदि ये कानून की जरूरत ना हो, पहले कोई कानून थे क्या? तुरंत न्याय मिलता था, और न्याय भी धर्म के आधार पर न्याय मिलता था, धर्म अनुकूल न्याय मिलता था। आज न्याय भी धर्मानुकूल नहीं मिल रहा है, गवाहों के आधार पर मिल रहा है, साक्ष्यों के आधार पर मिल रहा है, और साक्ष्य तो जानते ही हो जिस प्रकार बाहुबलियों के साथ सब कुछ रहता है। इसी हम सब सबसे पहले धर्म का अनुसरण करें, ताकि दोबारा विष्णु भगवान को इस धरती पर राम के रूप में अवतरित होने की जरूरत ना पड़े। हम राम के संदेश को, उनके आदर्शों को जीवन में डालें। मैं समझता हूं सारी जीवन की जो विसंगतियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। और उन्हीं फिर हमारी वही बहनें मिलेंगी जिनको हम सीता के रूप में पूजेंगे, सीता के रूप में पूजेंगे। मुझे इतना ही निवेदन करना था। बहन जी ने मुझे बुलाया और इनके आदेश को तो मैं भाई अपने बहन के आदेश को टाल ही नहीं सकता, इसलिए ये हमेशा मुझे आदेश देती रहे। मैं निश्चित रूप से इनके आदेशों पर अनुसरण करने का प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।